तो आज का टॉपिक है कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी। हमारे पास दो इक्वेशन है, कौन कौन सा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। अब इन दो इक्वेशन के आधार पर हम लोगों को ये निकालना है कि क्या क्या कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पर आप वैल्यूज को देखते ही पकड़ लीजिएगा कि इसका तीन ही केस आने वाला है। कौन कौन सा, या तो वन सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, या फिर नो सॉल्यूशन। तो कुछ उसका हमने एग्जांपल पहले भी देखा हुआ है, याद होगा आपको a1 by b1 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 अगर था तो हमने देखा था वो कौन सी लाइन बनने वाली है, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेनी सॉल्यूशंस। फिर हमने देखा था अगर पैरेलल लाइन है तो क्या था, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। अगर ऐसा है तो फिर वो कैसा बनने वाला था, पैरेलल लाइंस बनने वाला था। पैरेलल लाइंस बनने वाला था मतलब नो सॉल्यूशन। और सबसे पहला हमने देखा था जहां पे a1 by a2 इज इक्वल टू क्या था, नॉट इक्वल टू b1 by b2 था, वहां पे आपको क्या मिलने वाला था, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलने वाला। तो बेसिकली इसका जो सॉल्यूशन है वो दो ही पार्ट में डिवाइडेड है। एक को हम लोग क्या बोले थे, क्या सिस्टम बोलते थे, कंसिस्टेंट सिस्टम, और दूसरे को क्या बोले थे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो पहला क्या था, कंसिस्टेंट सिस्टम था, कंसिस्टेंट सिस्टम। और कंसिस्टेंट सिस्टम में कंडीशन है क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए। एटलीस्ट क्या होना चाहिए, वन सॉल्यूशन होना चाहिए। अब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है, इसके अंदर फिर दो केस आया था, या तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो, या फिर दूसरा क्या केस बताए थे, दूसरा क्या था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। तो कंसिस्टेंट होगा तो वहां दो ही केस होगा, या तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, नहीं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। और दूसरा क्या केस है, सेकंड इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम के अंदर हमने सिर्फ एक ही केस देखा था, दैट इज क्या देखा था, नो सॉल्यूशन। और इससे एक और चीज हमने चेक किया था कि जहां कहीं भी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, जहां कहीं भी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, वहां पर जो लाइन है वो कैसा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में क्या था, ओवरलैपिंग लाइंस था, ओवरलैपिंग लाइंस। और तीसरे में क्या है, थर्ड के अंदर है, नो सॉल्यूशन में, देखिए नो सॉल्यूट हो गया है, नो सॉल्यूशन के अंदर क्या है, नो सॉल्यूशन के अंदर ये लाइंस कैसी थी, पैरेलल लाइन थी। ये लाइंस कैसी थी, पैरेलल लाइंस थी। अब हम लोगों ने आज देखना है इनके कंडीशन क्या क्या है, हम लोगों को क्या देखना है, इनका कंडीशन। तो चलिए पहले इसी का कंडीशन देख लेते हैं, कंडीशन ऑफ इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब कंडीशन ऑफ इनकंसिस्टेंट सिस्टम में क्या है, कंडीशन ऑफ इनकंसिस्टेंट सिस्टम में क्या है, एक ही केस है नो सॉल्यूशन का, और नो सॉल्यूशन तब आएगा जब लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और पैरेलल लाइन का क्या इक्वेशन है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1 by c2। a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। ये जो कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन फॉर इनकंसिस्टेंट सिस्टम और नो सॉल्यूशन या फिर पैरेलल लाइंस। इसको आप अपनी कॉपी में लिखिए, इनकंसिस्टेंट सिस्टम का ये लिख लिए, ये पेज लिख लिए, लिख चुके, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए।
और ये क्या है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। डन, आगे बढ़े। ये कंडीशन है पहला, इसको लिख लीजिए a1 वन बाई बी वन, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। ये तब आ रहा है जब कैसा है, लाइन पैरेलल है और नो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। डन, आगे बढ़े पॉइंट नंबर टू की ओर चलते हैं। कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंट सिस्टम। अब कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंट सिस्टम के अंदर दो केस है। केस वन है जहां पे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन का मतलब है इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसका क्या मतलब है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अभी जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इसका कंडीशन है ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये जो लाइंस हैं वो कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ये कंडीशन है जो आपको क्या रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए, दैट इज ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू। These lines are not parallel to each other. अगर condition हमारा satisfy होगा तो these lines are not parallel to each other. और if the lines are not parallel to each other, this implies lines are intersecting in nature. लाइन कैसे हैं, इंटरसेक्टिंग नेचर के हैं। क्लियर। तो कंसिस्टेंट सिस्टम में पहला पार्ट है जहां पे कह रहा है कि a1 by a2 is not equal to b1 by b2, exactly one solution मिलेगा और लाइंस कैसे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, विच मींस द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इन नेचर। एंड द लास्ट कंसिस्टेंट का सेकेंड पार्ट, कंडीशन नंबर टू क्या है कंसिस्टेंट का, कंडीशन नंबर टू, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है ओवरलैपिंग लाइंस और ओवरलैपिंग लाइंस का मतलब होता है जो कंडीशन है दैट इज ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू। तो ये आपका क्या है, दिस इज द कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग लाइंस मीन्स कॉन्साइडिंग लाइंस विच इंप्लाइज इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान रखना है। कंसिस्टेंट में दो ही केस बन रहा है,
या तो a1 by a2 is not equal to b1 by b2, या a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. और inconsistent में एक system है, that is a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2. कोई दिक्कत? Conditions ध्यान रहेगा? चलिए numerical कीजिए. Right. Following system of equations are given. Following system of equation are given. Following system of equations are given. Find whether it has one solution, many solution or no solution और ये निकालना कैसे है? Simply by looking at the equations. तो क्वेश्चन नंबर वन दिया हुआ है, 2x plus 3y is equal to 7. और इक्वेशन नंबर टू है, 6x plus 5y is equal to 11. तो यहां पर आप a1 by a2 निकालिए, ये आ रहा है 2 by 6, that is equal to 1 by 3. आप b1 by b2 निकालिए, ये आ रहा है 3 by 5 और c1 by c2 भी निकाल लीजिए, ये आ रहा है 7 by 11. जैसे ही आपको मिल गया a1 by a2 is not equal to b1 by b2 मिल गया, तो आप क्या आंसर लिखेंगे? These two equations are only one solution or unique solution डन. तो ये सिंपल आसान है, आप बस देखिए a1 by a2 b1 by b2 निकालिए और आपका काम खत्म. क्वेश्चन नंबर टू में देखिए, 6x plus 5y is equal to 11. Another is 9x plus 15 by 2y. 9x plus 15 by 2y is equal to 21. Solve किया जाए. अब a1 by a2, that is 6 by 9, that is equal to 2 by 3. B1 by B2, that is equal to 5 by 15 by 2, 10 by 15, that is equal to 2 by 3. And C1 by C2 is equal to 11 by 21. तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कि a1 by a2 is equal to है b1 by b2 but not equal to है c1 by c2. और ऐसा होता है तो कौन सी लाइन आती है? ये कैसी लाइन आती है? पैरेलल लाइंस आती हैं, पैरेलल लाइंस आती हैं. और पैरेलल लाइंस का क्या तात्पर्य है? नो सॉल्यूशन. तो ये सीख लेने के बाद काफी सरल हो गया है. आप बस देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालिए और आपका काम हो गया. अगला सवाल देखिए, राइट, थर्ड क्वेश्चन, माइनस 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5. और दूसरा इक्वेशन है 9 बाई 2x प्लस और माइनस 6y प्लस 15 बाई 2 इज इक्वल टू 0.
अब ये निकालना है तो निकालते हैं, निकालिए ए वन बाई ए टू दैट इक्वल टू माइनस थ्री बाई नाइन बाई टू इक्वल टू माइनस सिक्स बाई नाइन दैट इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री। सिमिलरली बी वन बाई बी टू फोर बाई माइनस सिक्स दैट इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री। और तीसरा है सी वन बाई सी टू, तो देखिए यहाँ इज इक्वल टू की इस तरफ है तो इसको भी इज इक्वल टू के अगर उस तरफ ले जाइएगा तो यह आ जाएगा फाइव बाई, इधर प्लस है उधर जाएगा क्या हो जाएगा, इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस फिफ्टीन बाई, माइनस फिफ्टीन बाई टू। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा टेन बाई फिफ्टीन विथ अ नेगेटिव साइन, सॉल्व कीजिएगा आएगा माइनस टू बाई थ्री। और यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बराबर है बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू बराबर है सी वन बाई सी टू के। और जब कभी भी ऐसा होता है तो ये कौन सा कंडीशन है, कंडीशन ऑफ मैनी सोल्यूशन, कंडीशन ऑफ मैनी सोल्यूशन। और लाइन्स कैसी हैं, लाइन्स ओवरलैपिंग या कोइंसिडेंट लाइन्स हैं, ओवरलैपिंग लाइन्स हैं या फिर कोइंसिडेंट लाइन्स हैं। क्लियर, कोई डाउट नहीं, बड़े आगे चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल लिखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, 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 फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, सिस्टम हैज मेनी सोल्यूशन। सोल्यूशन हैज मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन। इसके अंदर दो बिट है, पहला बिट हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट बिट 5x plus 2y is equal to k, 5x plus 2y is equal to k, और दूसरा है 10x plus 4y is equal to 3, 10x plus 4y is equal to 3। अब infinitely many solution का condition क्या था, what is the condition of infinitely many solution, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। तो इसका कंडीशन यही है, सॉल्यूशन इसका क्या होगा, आप लिखेंगे ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू। मुझे ये निकालना है सी वन, बाकी सब तो पता ही है, तो किसी दो से आप निकाल सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसी दोनों को आप ले लीजिए, इसको लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा टू बाई फोर इज इक्वल टू के बाई थ्री, बस इसको सॉल्व कीजिएगा ये आ जाएगा सिक्स बाई फोर दैट इज के इज इक्वल टू 6 बाई फोर दैट इज इक्वल टू 3 बाई टू। तो k की वैल्यू क्या आ गई ना, यही आ रही है, k की वैल्यू 3 बाई टू आ रही है, बस सिंपल है। ऐसे ही टाइप का कोई भी तरह का सवाल होगा कर लेंगे, जहां पर अलग अलग तरह से आपको पूछेगा कि भाई इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या ये सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन। डन, अगला क्वेश्चन लिखिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, determine the value of a and b, determine the value of a and b, determine the value of a and b for which the following system of linear equation has infinite solution, infinite solution, infinite solution। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब सेम कंडीशन, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू। इक्वेशन है 2x माइनस ब्रैकेट स्टार्ट ए माइनस फोर वाई इज इक्वल टू टू बी प्लस वन, और दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस ए माइनस वन बाई
इज इक्वल टू 5b माइनस 1। तो बस ये आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन इसका निकालना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b का वैल्यू निकालने के लिए पहले तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन लिखिए, a1 बाई a2, तो यहाँ पे a1 बाई a2 क्या आएगा 2 बाई 4, दैट इज इक्वल टू हाफ। अब आया b1 बाई b2, तो b1 बाई b2 आपका b क्या है माइनस ऑफ a माइनस 4 होल डिवाइड बाय माइनस ऑफ a माइनस 1, तो यहाँ से माइनस कट गया, ये क्या बचेगा a माइनस 4 बाई a माइनस 1। अब ये दोनों को बराबर कर दीजिएगा तो a का वैल्यू निकल जाएगा, तो a माइनस 4 इसको आप बराबर कर दीजिएगा तो आपको a का वैल्यू निकल जाएगा। तो कंडीशन है a1 वन बाई ए टू इज इक्वल टू b1 वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू। यहीं पे हम लोग c1 वन बाई सी टू को भी निकाल लेते हैं, c1 वन बाई सी टू होगा 2b बी प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 5b बी माइनस 1। बस तो a1 वन बाई ए टू क्या दिया हुआ है हाफ आया था, ये क्या है a माइनस 4 बाई ए माइनस 1, और ये कितना दिया हुआ है 2b बी प्लस 1 बाई 5b बी माइनस 2b बी प्लस 1 बाई 5b बी माइनस 1। बस किसी दो दो को इक्वेट कर लीजिए आंसर आ जाएगा। पहले इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, इन दोनों को इक्वेट कीजिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, a माइनस 1 इज इक्वल टू 2a माइनस 8। यहाँ से सॉल्व करेंगे, एक उधर ले आते हैं तो a बच गया, इसको इधर ले आते हैं तो 8 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 7। a का वैल्यू 7 आया क्या, ठीक है। और अब आप क्या कीजिए b को इक्वेट कर लीजिए, तो b को इक्वेट करिएगा तो क्या आएगा 2b प्लस 1 बाई 5b माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ, मल्टीप्लाई करिए 4b प्लस 2 इज इक्वल टू 5b माइनस 1, इसको उधर ले जाते हैं, उधर ले जाइएगा तो ये कितना हो जाएगा b हो जाएगा, और इसको इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। आ रहा है देखिए ए सेवन बी थ्री आ रहा है, क्या आ रहा है 13 बाई 3 उसको बोलते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक। हो गया, अगला सवाल लिखा जाए, राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, लिखा है 2x plus 3y is equal to 7, 2x plus 3y is equal to 7, और दूसरा इक्वेशन दिया है 2 alpha x plus alpha plus beta y, ये अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है 28, ये आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है। अब उसके नीचे इसने कहा है कि तीनों ही केस के लिए ए मेनी सॉल्यूशन, बी वन सॉल्यूशन और सी नो सॉल्यूशन, तीनों ही केस के लिए आपको क्या करना है अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है। तो तीनों का कंडीशन आपको ध्यान ही है, डालिए और आंसर निकालिए। पहला बोला है मेनी सॉल्यूशन, दूसरा बोला है वन सॉल्यूशन, तीसरा बोला है नो सॉल्यूशन। अल्फा 4 और बीटा, तो जब आप मेनी सॉल्यूशन का निकालिएगा तो अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 8 आएगा। करेक्ट आंसर, दिस इज द आंसर टू द ए पार्ट।
नाउ आंसर टू दी बी पार्ट बताइए क्या आएगा वन सॉल्यूशन में. अल्फा का वैल्यू किसके लिए? नो सॉल्यूशन के लिए नहीं. ये आप बताइएगा ना. हाँ नॉट इक्वल टू होगा. कहाँ आपका वन बाई फोर कैसे आ गया हम तो यही नहीं समझ पाते हैं. सर गाली सुनने का काम कीजिएगा क्या. यूनिक सॉल्यूशन में सी वन बाई सी टू का क्या लेना देना है. यूनिक सॉल्यूशन में सी वन बाई सी टू से कहाँ क्या रिलेशन है. लड़का रहते तो अभी गरिया वो करते आप लोगों. खाली आसान सवाल बनाने आता है. यूनिक सॉल्यूशन में सी वन बाई सी टू का क्या काम है. या तो ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू होता है. इसका आंसर आएगा बनाना पड़ेगा. कंडीशन है ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू. हाँ उसी के टर्म्स में आंसर होगा. वन बाई फोर आ जाएगा. क्या है बोलिए. ए वन बाई ए टू कितना आ रहा है. 2 बाई टू अल्फा यही है ना. तो 1 बाई अल्फा आ गया. अब बी वन बाई बी टू कितना दिया हुआ है. बी वन बाई बी टू कितना आएगा. 3 बाई अल्फा प्लस बीटा. 3 बाई अल्फा प्लस बीटा यही ना है. अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 बाई अल्फा 2 इज नॉट इक्वल टू बीटा 1 बाई बीटा 2. ये इक्वेशन है. इसमें आप वैल्यू पुट करिए. 1 बाई अल्फा इज नॉट इक्वल टू 3 बाई अल्फा प्लस बीटा. सॉल्व कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 3 अल्फा. सॉल्व कीजिए. इधर 3 अल्फा है उधर ले जाएगा तो क्या आ जाएगा. 2 अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा. तो क्या आंसर आएगा. अरे नॉट इक्वल टू को इक्वेट कैसे करेंगे. हाँ तो ये आपका आंसर आ गया. क्या आंसर आया. बीटा जो है वो नॉट इक्वल टू होगा 2 अल्फा. इसके अलावा दुनिया का कुछ भी आप रख सकते हैं. मानिए बीटा आपने 2 रखा तो अल्फा क्या हो जाएगा 4. 4 के अलावा अगर बीटा 2 है तो उसका जो भी डबल वैल्यू होगा उसको छोड़ के आप दुनिया का कुछ ले लीजिए. अगर बीटा का वैल्यू 3 लिए तो अल्फा क्या हो जाएगा. मैंने 2 अल्फा क्या हो जाएगा 6. यानी अल्फा अगर 2 है अल्फा अगर 3 है तो बीटा 6. तो 3 और 6 को छोड़ के दुनिया का कुछ भी आप ले सकते हैं. उसका मतलब वही है. समझ में आया. ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि जो भी आप अल्फा लीजिएगा उसका डबल जो होगा वो क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा. उस वैल्यू को छोड़ के दुनिया का आप कुछ भी ले सकते हैं. डबल नहीं लेना है. बस इसका मतलब यही है कि बीटा जो है वो अल्फा का डबल है. यानी जब कभी भी डबल का रिलेशनशिप आएगा वो नहीं लेना है. बाकी दुनिया में आप कुछ भी ले सकते हैं तब आपका यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा. एंड द लास्ट पार्ट इज नो सॉल्यूशन. तो नो सॉल्यूशन का आंसर निकालिए. अब तो जब यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकला तो नो भी नहीं निकलेगा. हाँ बोलिए बोलिए बोलिए. अल्फा और बीटा का क्या बोल रहे हैं. हाँ तो अल्फा और बीटा का कोई इनफाइनाइट वैल्यू है तो इनफाइनाइट वैल्यू कैसे निकाल लेंगे हम लोग. अरे जब वेरिएबल के टर्म में मेरा आंसर आया है तो इनफाइनाइट कैसे. तो सारा वैल्यू नहीं लिखते चलेंगे कि 1, 2, 2, 4, 3, 6 ऐसे नहीं लिख सकते हैं. तो आप सीधे एक जनरल स्टेटमेंट कहेंगे ना कि जहां पर अल्फा का डबल हो जाएगा वो वाला छोड़ के बाकी सब जगह आंसर होगा. अब जहां जहां डबल है अब बाकी क्या हो सकता है. 1, 5 हो सकता है. 1, 3 हो सकता है. 1 के साथ 2 नहीं हो सकता है. 1 के साथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. तो सारा सॉल्यूशन लिखने बैठ जाइएगा पागल ही हो जाएंगे. वेरिएबल के टर्म्स में ही आंसर आ जाएगा. तीसरे पार्ट में जाइए. नो सॉल्यूशन इसका निकालिए क्या आंसर आ रहा है. निकालिए नो सॉल्यूशन का. ये 2023 में पूछा हुआ सवाल है. यानी पिछले साल पूछा है. अगर इस साल पूछ लेता तो आप लोग सब बोल ले जाते. सीबीएसई 2023 में पूछा हुआ सवाल है.
सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड का, तो अगर ये सवाल रहता आपके बोर्ड में तो आप लोग सब बोल्ड हो गए रहते हैं। अगला बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। ये वन ऑफ द कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन, चलिए ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है, थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन हम लोग को क्या निकालना है, नो सॉल्यूशन निकालना है। नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। तो पहले यहां लिखते हैं 1 बाई टू इज इक्वल टू, ये क्या है 3 बाई अल्फा प्लस बीटा, यही है ना, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू इधर कितना है 7 बाई 28 यानी 1 बाई 4, ये नॉट इक्वल टू है। ठीक है, हाँ 1 बाई अल्फा होगा, 1 बाई अल्फा, ये 1 बाई अल्फा है, ये हो गया। अब इस दोनों को इक्वेट करते हैं, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, दो बार इक्वेट करते हैं। चलिए इसको एक बार इक्वेट किया, इसको इक्वेट किया तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, और यहां से निकलेगा बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो कंडीशन नंबर 1 तो ये आ गया कि बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 अल्फा होना चाहिए। अब हम लोग को एक बार इसको भी इक्वेट करना चाहिए और एक बार इसको भी, क्योंकि तीनों ही इक्वेटेड है। तो 1 बाई अल्फा इज नॉट इक्वल टू क्या बोला है, 1 बाई 4, यानी अल्फा क्या नहीं हो सकता। एक तो यह भी कंडीशन है कि अल्फा क्या नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। दुनिया का कुछ भी अल्फा लीजिए पर अल्फा क्या नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। और अल्फा अगर 4 नहीं होगा तो बीटा क्या नहीं हो सकता, 8 भी नहीं होगा। वो भी देख लेते हैं, क्योंकि इसका डबल, जब अल्फा 4 नहीं होगा तो बीटा 8 भी नहीं होगा। देख लीजिए 3 बाई अल्फा प्लस बीटा इज नॉट इक्वल टू 1 बाई 4, सॉल्व कीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 12, अल्फा ये नॉट इक्वल टू है, किसी एक से पुट कर दीजिए, बीटा की जगह पे हम 2 अल्फा डाल देते हैं, या अल्फा हम अल्फा निकल गया ना, बीटा निकालना है तो हम लोग अल्फा की जगह पे बीटा बाई 2 लिख सकते हैं। बीटा बाई 2 प्लस बीटा इज नॉट इक्वल टू कितना आ रहा है 12, इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा 3 बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 3 बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 12, यानी 3 बीटा इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 24 एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 8। ये तीन कंडीशन आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, कौन कौन सा, बीटा 2 अल्फा के बराबर होना चाहिए, अल्फा 4 नहीं हो सकता। यहीं से मुझे पता चल गया था कि क्योंकि अल्फा 4 नहीं होगा तो बीटा 8 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्फा 4 होगा तो ये 2 इंटू 4 बीटा 8 हो जाएगा, तो 8 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब अल्फा 4 नहीं होगा तो ये इक्वेशन भी इनवैलिडेट हो जाएगा। तो उसको भी सॉल्व करके देख लिए तो बीटा क्या आया 8 नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या होगा, बीटा 2 अल्फा के बराबर तो होगा पर क्या क्या नहीं हो सकता है, अल्फा 4 नहीं हो सकता और बीटा, इसके अलावा दुनिया का आप कुछ भी कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। लॉजिक क्लियर है, लॉजिकली क्लियर है। इस तरीके से इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो कंडीशन याद रहेगा, कंडीशन इज फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। एग्जाम में जब आंसर लिखिएगा तो तीनों के टर्म्स में लिखिएगा, ना कि खाली पहले टर्म्स में। डन। अब लगभग क्वेश्चन आप 3.4 का आसानी से कर सकते हैं, लगभग सारा क्वेश्चन अब आपसे हो जाएगा। एक क्वेश्चन घर काम के लिए ले जाइए, वैसे तो सारा ही आपको करना है पर एक क्वेश्चन आप क्या कीजिए, घर काम के लिए ले जाइए, होमवर्क, होमवर्क के लिए इसको सॉल्व कीजिए। राइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ
अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, पहला इक्वेशन दिया हुआ है 2a माइनस वन, सॉरी अल्फा एक्स प्लस वाई, अल्फा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अच्छा भैया अल्फा बोल रहा हूं, बोल अल्फा रहा हूं, लिख लैम्डा रहा हूं, लैम्डा है ना, मुंह से अल्फा निकल रहा था, लिख लैम्डा रहे थे, ठीक है लैम्डा ही लिख लीजिए। एंड सेकेंड इक्वेशन है एक्स प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू वन, और कंडीशन क्या है, वही तीन कंडीशन जो इससे पहले सवाल में आपने लिखा था, ए मेनी सॉल्यूशन का भी केस निकालना है, बी यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन, और सी नो सॉल्यूशन, इसका आपको सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। तो आज की क्लास में यहां तक रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग प्रॉब्लम्स जो कि न्यूमेरिकल जिसको वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं उसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। और आपका काम है कि आरडी शर्मा बुक से आप क्या सॉल्व कर लीजिएगा, आरडी शर्मा से, आरडीएस से आप एक्सरसाइज 3.4 अब पूरा क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।